सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे वर्ल्ड पे हमला हो चुका है स्कैरी व्हाइट घोस्ट का, एंड बहुत सारे घोस्ट जमीन के अंदर से निकल रहे हैं एंड हमारे विलेज की तरफ पधार रहे हैं हमको मारने के लिए। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 व्हाइट घोस्ट हैं। ये सारे व्हाइट होस्ट एक गैंग बना के जा रहे हैं गाइस, सारे के सारे विलेजर्स को खाने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। तो पता नहीं हमारे विलेज में आज क्या होने वाला है और मेरे साथ क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन क्या मेरे वर्ल्ड में कुछ होने वाला है? और ये बाहर कौन है? व्हाइट घोस्ट, मतलब ये बाहर घूम रहे हैं हमारे घर के बाहर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, हमारे विलेज पे व्हाइट घोस्ट का हमला हो चुका है। तो ये उन्हीं में से कोई एक व्हाइट घोस्ट है एंड ये सामने एक विलेजर के घर में जा चुका है। एंड उसने नहीं, वो मेरे नूब का घर है एंड उसने मेरे नूब दोस्त को उठा लिया है गाइस। और पता नहीं वो कहाँ पे लेके जा रहा है उसको। माय गॉड, और यहाँ तो एक नहीं दो दो व्हाइट घोस्ट हैं एंड बाकी ओ एलेक्स को भी उठा लिया है। अभी ये नूब और एलेक्स को लेके कहाँ पे जा रहे हैं? अबे छोड़ दो नूब और एलेक्स को, छोड़ दो प्लीज व्हाइट घोस्ट। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपने मैजिशियन दोस्त को कॉल करना पड़ेगा एंड उससे कुछ सॉल्यूशन मांगना पड़ेगा। लेट्स गो, चलो उसको कॉल करते हैं फटाफट से, चलो कॉल करते हैं। ओ नो यार, ये तो अपने घर पे सो रहा है बहुत ही गहरी नींद में और पता नहीं है आज उठेगा अभी या फिर नहीं। ओ ये उठ चुका है, हेलो ब्रो प्लीज़ कॉल उठा यार, मेरी हेल्प कर दे प्लीज़। एंड ये सोकर तो उठ चुका है लेकिन अब ये कर क्या रहा है? मैंने इसको अपने पास बुलाने के लिए कॉल किया है ना कि कुछ करने के लिए। सो ये घर से बाहर निकल चुका है एंड घर से बाहर निकलने के बाद ये क्या बना रहा है? मेरे हिसाब से ये पोर्टल बना रहा है, वाओ, जिससे कि ये मेरे पास आने वाला है। जल्दी भाई पोर्टल को बना। ओके, तो इसने पोर्टल को बना दिया है गाइज एंड अभी ये इसके अंदर जा चुका है, मतलब ये मेरे पास आता ही होगा। एंड कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये कहाँ चला गया? ओ वाओ, हेलो मैजिशियन, हेलो मैजिशियन ब्रो, कैसा है तू? मेरी हेल्प कर दे प्लीज़ यार, बहुत सारे वाइट घोस्ट मेरे वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड वो एलेक्स को और नूब को दोनों के लेके पता नहीं कहाँ पे चले गए। शायद वो उन्हें खाने के लिए ले गए होंगे। लेकिन सामने पूरे पूरे विलेज में आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ ये आग किसने लगाई होगी? चलो देखते हैं चल के यार, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स गो। ओ ये रहा ग्रीन घोस्ट। ओ नो, अब क्या करूँ भाई? ओ शिट यार, मेरे को मारना पड़ेगा इसको अपने वेपन से, चलो मारता हूँ। अबे जा यहाँ से बे ग्रीन घोस्ट, प्लीज लीव मी। ओके, तो मैजिशियन कुछ कर दे प्लीज, मैजिशियन कुछ कर यार, कुछ तो कर प्लीज। ओके कुछ तो कर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है? ओ वाह, अभी छोटा हो गया ये व्हाइट घोस्ट। गाइस देखो कितना छोटा हो चुका है ये, मेरे दोस्त ने इसके ऊपर एक जादू कर दिया जिससे कि वो बहुत छोटा हो गया। चलो देखते हैं आगे और भी होंगे बहुत सारे, यहाँ एक नहीं पूरे के पूरे 6 घोस्ट हैं यार, उन सबको मारना पड़ेगा। एक ये रहा जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, चलो इसको भी कुछ करो यार, इसके ऊपर कुछ जादू करो मेरे दोस्त प्लीज़, वरना ये मैं जान से मार देगा। ओके करो करो करो, बहुत ही बढ़िया, जल्दी करो यार कुछ तो करो। अबे नहीं, अबे यार इस घोस्ट ने तो मेरे दोस्त को अपने हाथों में उठा लिया और ये मेरे दोस्त को कहाँ फेंक रहा है, कहाँ? ओ पता नहीं उसने कहाँ फेंक दिया मेरे दोस्त को, और कहीं अब ये मेरे को ना फेंक दे वहीं पे। जल्दी भागो यहाँ से, कहीं ये मेरे को भी वहीं ना फेंक दे जहाँ मेरे दोस्त को फेंक दिया है। यार मेरे को बहुत डर लग रहा है गाइस, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को बचा लो कोई प्लीज़, मेरे को बचा लो, वो घोस्ट मेरे पीछे ही आ रहा है, जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ भागूँ यार, कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। ये रही बेसमेंट, चलो इसके अंदर चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो, बंद करो इसको। ओके हाँ गाइस, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ? अरे वाह, मैं तो एक घर में आ चुका हूँ, इसका मतलब मेरी जान बच चुकी है। वाओ, हम लोग आ चुके हैं एक घर के अंदर, लेकिन ये तो वही घर है जिसमें जिसके अंदर हम लोग कल आए थे यार, लास्ट टाइम जिसके अंदर आए थे ये वही घर है। बट ये इतना भाई इतना डरावना डरावना क्यों लग रहा है भाई? अंदर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी, ओ वेट,
यहाँ पे तो मेरा नूब है, नूब। तुझे क्या हो गया? गाइस, नूब को किसी ने मार दिया। शायद वाइट घोस्ट ने मारा होगा, लेकिन नूब को बचाने के लिए मुझे पोशन की जरूरत पड़ने वाली है, एंड वो पोशन मेरे को मिल चुका है गाइस। चलो अब नूब की जान को बचाते हैं, लेट्स गो। नूब भाई, मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ, ये ले। ओके, मैंने तेरे ऊपर पोशन डाल दिया है। ओके, सो गाइस, नूब जिंदा हो चुका है फाइनली, एंड अब ये बच चुका है। थैंक यू ब्रो, तूने मेरी जान बचा ली। अबे अब ये कहाँ से आ गया दोबारा ये कहाँ से आ गया? नूब भाई कुछ कर भाई। अबे रुक, पहले मैं इसको मारता हूँ। यार इसको डैमेज भी नहीं आ रहा है, मैं मारूँ तो इसको कैसे मारूँ? ओके नहीं, ये अब कुछ मारने आ रहा है मेरे को। अबे मेरे को छोड़ दे भाई, जा यहाँ से प्लीज वाइट घोस्ट, कुछ कर। अबे सॉरी नूब भाई, कुछ कर, मेरे को बचा। चल भागते हैं यहाँ से। यार लगता है ये वाइट घोस्ट आज बहुत ही गुस्से में है। अबे ये मेरे पीछे आ रहा है। अबे मैं क्या करूं, ये वाइट घोस्ट। अबे नूब भाई तू कुछ कर रहा है क्या? हाँ भाई, तू चिंता मत कर, मैंने इसको एनविल से मार दूंगा। ये देख मैंने इसको एनविल से मार दिया है और अब ये नहीं बचेगा। ये देखो मैंने इसको मार दिया। ये मुझे मजा आ रहा है, मैंने इसको मार दिया, मतलब मैं बहुत ही होशियार इंसान हूँ, अब तू मेरी बुराई नहीं कर सकता। अरे वाह यार नूब, तू बहुत ही होशियार निकला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतने बड़े वाइट घोस्ट को भी मार सकता है। मुझे माफ़ कर दे यार, मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन चल भाई हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। चल भाई ये देख, हम लोग अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं। तुझे यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? आई होप तुझे बहुत ही ओ शिट, हमारे सामने खड़ा है एक और घोस्ट। कुछ कर यार, यहाँ से भाग, जल्दी जल्दी भाग नूब, जल्दी भाग यहाँ से। हम लोग बहुत ही गंदा फंस चुके हैं, हमारे पीछे आ रहा है पिंक वाला वाइट घोस्ट। अब क्या करें, कुछ बता यार, कुछ बता। रुक जाओ, मैं इससे फाइट कर लूंगा, लेकिन मुझे इसने ऊपर फेंक दिया, बचाओ। नूब, मैंने तेरे से मना किया था कि इससे फाइट मत कर, ये बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं तू कहाँ चला गया। गाइस कुछ मेरी हेल्प करो प्लीज, ये देखो पर्पल घोस्ट मेरे पीछे पड़ा है। अबे मैं क्या करूँ, भागो यहाँ से। यार ये तो घर तोड़ रहा है, सारे के सारे घर तोड़ दिए इसने ऑलरेडी, एंड अभी ये और भी घर तोड़ रहा है। ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है, क्या करूँ मैं? जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ। जल्दी भागो यहाँ से, मेरे को पानी के अंदर ही रहना पड़ेगा कुछ देर के लिए लग रहा है। अभी तो पानी के अंदर भी आ चुका है, लेकिन शायद ये पानी के अंदर मर जाता है, देखता हूँ क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। मरने वाला है क्या ये? आई थिंक मरने वाला होगा गाइस, देखते हैं। वाओ, अरे वाह, ये पानी के अंदर मर चुका है, बहुत ही बढ़िया। कोई मुझे भी बचा लो, मैं स्पेस के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे वाइट घोस्ट ने ऊपर फेंक दिया है, कोई मुझे बचा लो प्लीज। प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे वाइट घोस्ट ने जेल में बंद कर दिया है, कोई प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। मेरा नाम एलेक्स है, एलेक्स, कोई मेरे को प्लीज बचा लो, कोई बचा लो प्लीज। मुझे बचाने के लिए एक पैरट आया हुआ है, इसने मेरे को बचा लिया है। वाव, ये घोस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, अच्छा हुआ मैं यहाँ से चली गई, लेकिन अब ये मेरे को ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ चली गई। चलो गाइस चलते हैं एलेक्स से मिलने के लिए, देखते हैं वो कहाँ पर है, लेट्स गो। वेट, एलेक्स तो यहाँ पे उड़ती हुई आ रही है। एलेक्स तुझे क्या हो गया था, तू मेरे पास क्यों आ रही है? अबे यार तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों? मुझे वाइट घोस्ट ने पकड़ लिया था, मैं उससे बच के आ रही हूँ, और वो वाइट घोस्ट यहाँ पर आते ही होंगे क्योंकि उन्होंने मेरी लोकेशन देख ली है, एंड वो मुझे दोबारा पकड़ के ले जाएंगे। नहीं एलेक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे सामने तीन तीन वाइट घोस्ट हैं, मैं इनसे फाइट कैसे करूँ?
सो गाइस, ये बात है कल रात 3 बजे की, जब मैं अपने घर में आराम से सो रहा होता हूँ एंड मुझे कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। मैं आराम से सो रहा था, उसी टाइम मेरे वर्ल्ड में एंट्री होती है आइसक्रीम हॉरर की, जो कि मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। एंड वो जैसे ही देखता है कि मैं सो रहा हूँ, वो मेरे घर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एंड वो अंदर घुसने के बाद मुझे अपने हाथों में उठाता है एंड अपने साथ पता नहीं कहाँ पे मेरे को लेके जा रहा है। आइसक्रीम हॉरर, मुझे छोड़ दे प्लीज। एंड गाइस, मैं बहुत ही घबरा गया था एंड पता नहीं वो मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा है। शिट, हाँ भाई, ये कहाँ पर हूँ मैं? ओ शिट, ये क्या? गाइस, आइसक्रीम हॉरर ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। पता नहीं कौन सी जगह है ये, लगता है ये बहुत ही बड़ा कोई जेल है। और लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा कुछ भी करके। रुको, मैं ब्लॉक लगाता हूँ यहाँ पे। गाइस, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना मैं तो यार यहाँ पे फंसा रह जाऊँगा एंड फिर मैं कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। सो ओके, सो मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, लेकिन मैं अब नीचे कैसे जाऊँ? ओ नो, ये कहाँ से आ गया? आइसक्रीम हॉरर कहाँ से आ गया? भागो यहाँ से। गाइस देखो, इसने मेरे को यहाँ से भागते हुए देख लिया है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं यहाँ से, ओ हेलो एलेक्स, मुझे बचाओ प्लीज। ओके गाइस, एलेक्स हमारी हेल्प कर रही है, वो एरो से मार रही है आइसक्रीम हॉरर को। ओके वाओ एलेक्स, थैंक यू, मुझे बचाओ, कुछ करो प्लीज। मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो एलेक्स, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ओके वाओ, एलेक्स ने हमको पानी से बचा लिया है। सो दोस्तों, चलो चलते हैं एलेक्स के साथ उसके विलेज के अंदर। और ये क्या? आइसक्रीम हॉरर दोबारा से हमको पकड़ने के लिए सामने आ चुका है। भाग यहाँ से एलेक्स, जल्दी भागो यहाँ से यार, हम लोग फंस चुके हैं बहुत ही बुरा वाला, कहीं तो भागो, कुछ करो यार, कोई रास्ता वास्ता है क्या? ये क्या है? आई थिंक हमको इसके अंदर जाना पड़ेगा। गाइस, हम पे एक सीक्रेट बेसमेंट है, चलो इसके अंदर चलते हैं वरना ये हमको जान से मार देगा। ओके चलो चलते हैं इसके अंदर। वाओ, ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों? ये तो एक लग रहा है कोई घर वगैरह होगा। एलेक्स, वैसे ये है कौन सी चीज़? मतलब ये किसका घर है? किसका पता नहीं किसका घर है यार। गाइस, पता नहीं हम लोग किसके घर में आ चुके हैं, बट हमें पता नहीं यहाँ पे काफ़ी सारा खून क्यों लगा हुआ है। भाई कहीं ये घर भी स्कैरी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है ये घर स्कैरी कोई हॉरर हो? भाई हम लोग फालतू में यहाँ पे, ओ माय गॉड। गाइस यहाँ पे देखो, डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई तो है, इतना बड़ा हैंड किसी का। ये क्या? ये तो एक स्कैरी हैंड है, भागो यहाँ से यार, हम लोग उल्टा फंस चुके हैं यार। अब हमारे सामने एक स्कैरी हैंड आ चुका है, अब क्या करें यार? कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। गाइस देखो, छुपना पड़ेगा यहाँ पे, चलो छुपते हैं यहाँ पे। ओके तो गाइस, हम लोग यहाँ पे छुप चुके हैं एंड हमारे सामने ही वो आ चुका है स्कैरी हैंड, लेकिन शायद वो यहाँ से कहीं दूर जा रहा है। ओके, वो लोग हमें देख नहीं पाए। एंड गाइस, यहाँ पे एक सॉर्ड भी है। वाओ एलेक्स, मुझे देना है सॉर्ड ये। ओके तो ये सॉर्ड गाइस मुझे मिल चुकी है, इसका नाम एक्सकैलिबर है एंड चलते हैं इसको बाहर लेकर एंड देखते हैं वो हैंड। ओ वो हैंड तो वहीं पे है, रुको उसको मारते हैं इस शॉट से। चलो गाइस, इस हैंड को मारने की कोशिश करते हैं, क्या पता ये मर जाए। लेट्स गो, चलो इसको मारते हैं। अरे मर जा प्लीज हैंड। ओके, मैंने इसके शॉट मार दिए एंड शायद अभी ये मरने वाला है एंड आई थिंक ये मर जाएगा। चलो गाइस, यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओ ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों? ये देखो, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, अब एक केव के अंदर। मेरे को लगता है ये बहुत ही खतरनाक केव है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है। लेकिन इतने सारे हमको गोल्ड कैसे मिल रहे हैं यार? वाओ यार, हमें तो गोल्ड मिल रहे हैं बहुत सारे, मज़ा आ गया। लेकिन गाइस, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई हमें ऐसे गोल्ड क्यों देगा यार? चलो वैसे हमको फ्री में मिल रहे हैं तो इनका पीछा तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गोल्ड है। रुको मैं इसको लेकर आता हूँ। वाओ, ये मुझे मिल चुका है, मज़ा आ गया। एलेक्स ये देख, ये क्या मत कर प्लीज। ओबे एलेक्स, तू क्या कर रही, पागल हो गई है क्या? ओबे मैं लावा के अंदर अभी गिरता यार। एलेक्स तू दोस्त ही दुश्मन है, मेरे को ऊपर बुलाओ कोई प्लीज, जल्दी से मुझे मेरी हेल्प कर दे प्लीज। एलेक्स मेरी हेल्प कर दे, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। ओ वेट, ओ आइसक्रीम हॉरर यहाँ पे आ चुका है एक बार फिर से। गाइस एक बार फिर से यहाँ पे आइसक्रीम हॉरर आ चुका है। ओ माय गॉड गाइस, अब मैं क्या करूँ? ये देखो,
अभी इस टाइम वो एलेक्स के पीछे पड़ा हुआ है, वो देखो सामने। ओ शिट, एलेक्स तुम गई, एलेक्स तुम गई। नो गाइस, उसने एलेक्स को पकड़ लिया है एंड वो पता नहीं उसे कहाँ पे लेके जा रहा है। अबे रुक जा, मेरी एलेक्स को छोड़ दे, छोड़ दे आइसक्रीम हॉरर। गाइस पता नहीं वो एलेक्स को कहाँ पे लेके जा रहा है, छोड़ दे उसको प्लीज, कहाँ पे लेके जा रहा है तू। हेलो, ओ शिट, वो तो बंद कर रहा है भाई उसको, पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहा है उसे भाई, पता नहीं यार। शिट गाइस, क्या मैं अपनी एलेक्स को बचा पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। एक मिनट, वेट, यहाँ पे एक डोर है लेकिन इसके अंदर क्या है। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ पर तो मेरा दोस्त है मैजिशियन। हेलो ब्रदर, उठ जा जल्दी से। ओके, यहाँ पे एप्पल खाते हैं पहले, एंड थोड़ी भूख लगी थी। ओके, तो हम लोगों ने एप्पल खा। मेरे भाई मैजिशियन, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर नहीं, बताओ। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मेरी जरूरत कब से पड़ने लगी। अच्छा ये बताओ काम क्या करना है, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे मेरे भाई, काम सिर्फ इतना सा है कि मुझे आइसक्रीम हॉरर से अपनी एलेक्स को छुड़वाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तो थैंक यू ब्रो, तूने मेरे को ये बहुत ही बढ़िया एक वेपन दे दिया है। सो दोस्तों, मुझे मिल चुका है एक बहुत ही बढ़िया वाला वेपन, एंड इस वेपन से मैं किसी को भी मार सकता हूँ। एंड यहाँ उसने बहुत सारे यहाँ पे कॉबवेब लगा रखे हैं, तोड़ना पड़ेगा पहले इनको। चलो पहले इन कॉबवेब को तोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर आइसक्रीम हॉरर मेरी एलेक्स को लेकर कहाँ पे चला गया। ओके तोड़ते हैं इसको, तोड़ते हैं। ओके स्विच टूट चुका है, वाओ, लेकिन वो कहाँ पे लेके गया होगा आइसक्रीम हॉरर। हाँ यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है। ओके ओके, मेरे को लगता है वो यहीं कहीं होनी चाहिए यार, लेकिन हेलो एलेक्स, तुम कहाँ पर हो। हेलो एलेक्स, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो। ओ वेट, मैंने किसी को देखा यहाँ पे गाइस, शायद ये एलेक्स ही है क्या इसके अंदर, कॉबवेब के अंदर फंसी हुई। हाँ ये तो एलेक्स ही है गाइस, जो कि इसके अंदर फंसी हुई है। ओ ओ नो, आइसक्रीम हॉरर, ओबे अबे, मैं तो फंस गया। अरे भागो रे, भागो रे यहाँ से, भागो भाई। आइसक्रीम हॉरर मेरे को छोड़ दे प्लीज, भागो यहाँ से गाइस, ये देखो हमारे पीछे आ रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। माई गॉड, मैं क्या करूं, मेरे पास एक वेपन है, इसको मारने की कोशिश करता हूं। ओ अरे वाह, मैंने इसके सर में अपना वेपन मार दिया, एंड देखो इसका सर कैसा हो गया भाई, इसका सर तो हो गया एकदम बेकार, मतलब चपटा सर हो गया इसका। वाओ गाइस, हमारा प्लान तो काम कर गया, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ही बढ़िया वेपन दिया, एकदम काम वाला। ओके लेकिन ये दोबारा मेरे पास आ रहा है क्या, नहीं ये लावा के अंदर कूद चुका है। वाओ ये दोस्तों, मैंने फाइनली आइसक्रीम हॉरर को मार दिया है। गाइस अब टाइम आ चुका है एलेक्स को बचाने का, जल्दी जल्दी एलेक्स को यहाँ से बचाते हैं एंड इसको अपने साथ लेकर चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। एलेक्स तुम यहाँ से बाहर निकलो फटाफट। ओके तो एलेक्स तुम ठीक तो हो ना। ओके सो गाइस, ये बोल रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो बहुत ही खुशी हुई मेरे को। चलो एलेक्स निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, इससे पहले कि कोई और यहाँ पे आ जाए, जल्दी निकलते हैं अपने वर्ल्ड में। वैसे एलेक्स तुमको पता है मैंने आइसक्रीम हॉरर को मार दिया है और वो दोबारा कभी मैं परेशान नहीं कर पाएगा, चलो यहाँ से चलते हैं यार गाइस। ओके ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने वर्ल्ड में एक बार फिर से आ चुके हैं, एंड हम लोग एक बहुत ही बड़ा ओ वेट, वहाँ पे एक पिग है गाइस, लेकिन वो क्या कर रहा है, चलो उससे मिलकर आते हैं। ओ हेलो पिग, हेलो, अबे कहाँ भाग रहा है, रुक जा पिग के बच्चे, कहाँ भाग रहा है ये, तो कहीं भाग रहा है गाइस, इसका पीछा करते हैं। अबे रुक जा भाई, तेरे पास क्या है ये, तेरे ऊपर डायमंड लगा हुआ है, मेरे को डायमंड दे दे वो वाला प्लीज़। कहाँ भाग रहा है तू, इस डायमंड का क्या करेगा, मुझे ये डायमंड दे दे प्लीज पिग, कहाँ लेके आ चुका तू मेरे को, अबे रुक भी जा। ओ व्हाट, ये मौसम कैसा हो गया, ब्लैक ब्लैक गाइस, यहाँ पे क्या होने वाला है, कहीं कुछ होने तो वाला नहीं है यहाँ पे, मेरे को बहुत डर लग रहा है गाइस, कहीं कोई आने वाला। ओ आइसक्रीम हॉरर इज बैक, वो एक बार दोबारा आ चुका है। माई गॉड, मैं तो गया दोस्तों।